डेफिनेटली हमेशा हर सेलिब्रिटी को इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम जितना करते हैं वो सारी आवाम को दिखता है और वही चीज़ लोग सीखते हैं, और जो दिखते नहीं हैं, जो लोग दुनिया में लोग उनको जानते नहीं हैं, और वो ये सब चीज़ें करने के लिए एक तरीके से उनको हिम्मत मिलती है कि हाँ अगर ये लोग कर रहे हैं, अपना इतना वक्त निकाल के ऐसे काम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। देखिए मैंने हमेशा से बोला अवेयरनेस हर चीज़ की होना चाहिए, चाहे वो सेक्स हो चाहे कुछ भी हो, वो गलत चीज़ नहीं होती है, आपको हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे जब बच्चे होंगे तो मैं उनको ज़रूर सेक्स एजुकेशन दूँगी ताकि उनको आगे वो चीज़ पता चले, और सेक्स गंदी चीज़ नहीं है। वो लोगों ने दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि ये गंदा होता है वो गंदा होता है, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो एटलीस्ट उनको ये सब पता होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आगे जाके आपके साथ ऐसा हो सकता है, अगर किसी ने ऐसा किया तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है जो सेलिब्रिटी अगर बोलते हैं तो लोग ज़्यादा सुनते हैं, तो आपको लगता है सेलिब्रिटी को मतलब आगे आना चाहिए इस कॉज के लिए जिस तरह से आप आई है? बिल्कुल सभी आते हैं। मैं क्या बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, लाइक प्रियंका है, मैं हमेशा उनकी पोस्ट देखती हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा अवेयर करते हैं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक हमें फॉलो करती है और वो चीज़ जो पोस्ट होती है, जो सोशल मीडिया पे हमारी बातें होती हैं, वो पब्लिक को पता रहती है। इसके अलावा आप रैंप को वॉक करने वाली हैं और अवार्ड भी मिलने वाला है, जी उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे तो मिल रहा है एंटरटेनमेंट का अवार्ड, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक शटर उसके लिए वॉक करूँगी ताकि मेरी लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने कभी कभी मुझे रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैं रुक नहीं पाई, और मुझे जो अपनी लाइफ के अंदर जो अचीव करना है, जो बोलना रहता था, जो करना रहता था, बिग बॉस के थ्रू मैंने बोला है और किया है।